स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने समस्त प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। पूरे राष्ट्रवादी वासियों को और उत्तराखंड वासियों को मेरी बधाई है इस बात के साथ कि आज संकल्प लेने का दिन है कि हम अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण रखने के लिए, एकता को बनाए रखने के लिए काम करें और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन भी करें जिन लोगों ने अपनी जान की शहादत दी, बड़े बड़े उन्होंने त्याग किए हैं, अपने परिवारों का त्याग किया, जेलों में रहे, कई लोगों ने अपनी जिंदगियां दांव पे लगा दी इस देश के लिए। और उसमें सभी धर्म को मानने वाले थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, बौद्ध भी थे, जैनी भी थे, पारसी भी थे, तो किसी का भी ये नहीं कहा जाता सहयोग नहीं था। लेकिन आज दुर्भाग्य 78 साल हो गए स्वतंत्रता मिले हुए, लेकिन आज एक ऐसी पार्टी की सरकार देश और राज्य में है जो महात्मा गांधी के हत्यारे की जिंदाबाद कहते हैं। और आज उनके दिलीप रावत जी ने एक बयान दिया जो महंत भी हैं कि सर्वे भवंतु सुखिना नहीं होना चाहिए, हिंदू भवंतु सुखिना होना चाहिए। कितनी छोटी सोच है। जिस धर्म ने, सनातन धर्म ने पहाड़ों की पूजा करना सिखाया, जिस सनातन धर्म ने नदियों की पूजा करना सिखाया, पशु पक्षियों की पूजा करना सिखाया, जिसने प्रेम का संदेश दिया, जिसने समा का संदेश दिया, उस धर्म को मानने वाले, उस धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज मनुष्य को नहीं मानते।